लॉट ऑफ मनी इज सक्सेस। आप सबके जहनों में बात होगी कि पैसा कामयाबी की निशानी है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं, तो स्टिक टू द एंड, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो पैसा कामयाबी है क्या नहीं, इस हवाले से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कामयाबी को समझेंगे। व्हाट इज सक्सेस। कामयाबी को समझने के लिए हम बहुत ही इनिशियली जाएंगे अब हमारे बचपन के अंदर, पहले सबसे पहले तो बचपन में देखेंगे, क्योंकि अमूमी तौर पर जो फितरी चीजें होती हैं वो बचपन में हमें मिल जाती है। सो दैट्स व्हाई शुरू से शुरू करते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो वालदैन के लिए हमें क्रॉलिंग करता देखना उनकी कामयाबी होती है। जब हम क्रॉल करना शुरू कर देते हैं फिर चलना, जब हम चलना शुरू करते हैं तो किसी चीज तक पहुंचना हमारी कामयाबी होती है, और फिर उसी के साथ साथ जब हम चीजों पर चढ़ना शुरू करते हैं तो कुर्सी पर चढ़ के, टेबल पर चढ़ के, फ्रिज के ऊपर रखी किसी चीज को टच करना हमारे लिए कामयाबी हो जाती है। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारी कामयाबी फ्रिज से चॉकलेट निकालना हो सकती है, थोड़े और बड़े होते हैं हमारी कामयाबी घर से थोड़ा दूर जाना हो सकती है। तो इससे हमें ये चीज समझ में आती है कि कामयाबी अपने स्टैंडर्ड्स बदलते रहती है उम्र के हिसाब से। कभी आपके लिए कामयाबी कुछ हो सकती है, कभी आपके लिए कामयाबी कुछ हो सकती है। तो कामयाबी एक चीज नहीं, कामयाबी दरअसल आपके अंदर वो डोपामाइन का रिलीज होना है जो कि आपको खुशी का एहसास दिलाता है, जो कि आपको ये एहसास दिलाता है कि आप कमतर नहीं, आपने कोई चीज हासिल कर ली। अब डोपामाइन का काम आपको खुशी का एहसास दिलाना, आपको कोई लत लगाने के अंदर भी डोपामाइन का ही किरदार होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डोपामाइन के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। डोपामाइन के हवाले से हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम जरा डिटेल में डोपामाइन को पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर तक पहुंचने में क्या खुशी हो सकती है, आप किसकी मंजिल, आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए तो ये भी एक सक्सेस की अलामत है। तो आप जब वहां पहुंचते हैं तो डोपामाइन आपके माइंड में रिलीज होता है, जो कि आपको ट्रिगर करता है कि नाउ अब बस खुश होने का वक्त आ चुका है, आपने अपनी मंजिल अचीव कर ली है। तो डोपामाइन कभी भी किसी भी जगह पर, अलग अलग जगहों पर ट्रिगर हो सकता है, लेकिन हमारे बेसिक स्टैंडर्ड्स बहुत इनिशियल हैं। हम किसी की लाइफ में खुशी ऐड करके खुद को कामयाब समझते हैं। हमारे मुआशरे में एक चीज जो कि बहुत गलत इम्प्लीमेंट हुई वो ये कि हमने मटेरियलिस्टिक चीजों को हमारी खुशियों के साथ ऐड कर दिया। मटेरियलिस्टिक चीजें कभी भी हमारी खुशी का जरिया नहीं बन सकती। आप जब भी किसी चीज को हासिल करते हैं तो शुरू में इनिशियल बेसिस आप उसको देख के बहुत खुश होते हैं। खुशी का पीरियड 8 मिनट से ज्यादा नहीं होता, आप इंजॉय करते हैं उस चीज को सिर्फ 8 मिनट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने एक स्पोर्ट्स बाइक ली, अब जब आप वो स्पोर्ट्स बाइक लेकर आए, जब आपने उसकी पेमेंट की, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, आप बहुत ज्यादा खुश थे, जब आपने वो हासिल कर ली, अब आपके अंदर डोपामाइन रिलीज हो गया, हो मैंने ये चीज हासिल कर ली। लेकिन 8 मिनट के बाद आपको रियलाइज होने लग जाता है कि यार शायद मैं वो ले लेता तो वो इससे ज्यादा बेहतर, इस तरह के ख्याल आपके जहन में आने लग जाते। लेकिन फिर आप खुद से लड़ते हैं, आप कहते हैं कि नहीं अब मैंने ले लिया तो अब कोई और भी आकर इसकी तारीफ करे। फिर आप लोगों को वो चीज दिखाना शुरू कर दें, किसी ताकि वो रिटर्न में आपको ये फीडबैक दे सकें, वाह यार बड़ी जबरदस्त चीज है, वाह यार साउंड चेक करो कितना जबरदस्त साउंड है इसका। अब जब इस तरह के आपको फीडबैक्स देंगे तो आप अंदर से सुकून में दोबारा से डोपामाइन रिलीज होता रहेगा, आप सुकून में आते रहेंगे, हाँ मैंने सही मैसेज। फिर कुछ अरसे के बाद लोग उस हवाले से बात करना छोड़ दें। फिर अब आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, आपने एक बाइक खरीदी है, आपका ख्वाब था ये, आपके लिए ये कामयाबी थी, सक्सेस थी आपके लिए, आपने इसे हासिल कर लिया, अब लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो आपको ये चीज बड़ी ऑकवर्ड लगेगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप वहां जाएंगे और उनसे बार बार इस हवाले से बात करते रहेंगे, भाई बाइक चेक की तुमने, मैंने बाइक के आगे न्यू स्टिकर लगवाया, ये बाइक का साउंड चेक करो, मैंने अभी अभी इसके अंदर थोड़ा काम कर रहा है, बाइक की स्पीड चेक करी तो मैं, आओ यार तुम्हें जरा मैं राउंड पर लेकर, इस तरह की बात है। क्यों? क्योंकि आप उस हवाले से बात करना चाहते हैं, आप अंदर से कहीं ना कहीं खुश नहीं है कि यार कहीं मैंने गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दिया। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें यह पता लगता है कि भाई खुशी का ताल्लुक किसी मटेरियलिस्टिक चीज से नहीं हो सकता। ये तो मैंने बाइक की एग्जाम्पल ली, आप किसी एलसीडी की एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आप एक बड़ी सी एलईडी लेकर आए घर पे और आप लाके उसे सामने दीवार पे लगा दें, आप अगर उसके सामने बैठते हैं थोड़ी देर देखते हैं उसके बाद आप बोर हो जाते हैं, शो आप एंजॉय करोगे लेकिन एलसीडी को आप कुछ टाइम के बाद आप उसे इग्नोर करने लग जाएंगे, आपको टोटल फोकस शो पर होगा। कोई आएगा एलईडी के हवाले से बात नहीं कर रहा होगा, आपको थोड़ी अंदर से क्यूरियोसिटी, क्यों बात नहीं कर रहे, फिर आप खुद बोले यार इसकी रेजोल्यूशन देख रहा हूँ कितनी जबरदस्त रेजोल्यूशन है,
ये मैं आपको नॉर्मल मिसालें दे रहा हूँ जो मुआशरे के अंदर आप आमतौर पर देख सकते हैं। अगर मटेरियलिस्टिक चीजें हमारी सक्सेस नहीं है तो ये सोच आई कहां से? अनफॉर्चुनेटली ये सोच हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ से आई। कामयाबी कामयाबी कामयाबी, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, हमने हासिल करना है, हमने ये हासिल करना है, हमने बहुत सारा पैसा बनाना है, ये सारी चीजें हमारे अनफॉर्चुनेटली मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ से। अगर आपको कोई ये बताने शुरू कर दे कि कामयाबी लग्जरी में नहीं है, अगर आपको कोई ये बताए कि कामयाबी पैसे में नहीं है, कामयाबी फेम में नहीं है, तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे? इसलिए आपको बताया गया पैसा कैसे कमाना है, अलग अलग जगहों से अलग अलग रिसोर्सेज से पैसा बनाना सिखाया गया। अनफॉर्चुनेटली ये कामयाबी नहीं, गलत चीज हमें इम्प्लीमेंट कर दी गई कि कामयाबी के शायद ये स्टैंडर्ड्स हैं, पैसा बनाओगे आप कामयाब हो जाओगे। टोटली रॉन्ग, नहीं है, ये कामयाबी हो ही नहीं सकती। अगर ये कामयाबी होती, अगर ताकत कामयाबी होती, अगर फेम कामयाबी होती, अगर पैसा कामयाबी होती, तो फिरौन कामयाब होता, नमरूद कामयाब होता, कारून कामयाब होता। अभी नाम ही मैंने लिए होंगे आपके जहन में अजीब से ख्यालात आने लग गए होंगे, आप पूरा समझ रहे होंगे। तो अगर ये लोग कामयाब होते तो आपके जहन में से बात नहीं, हजरत अबू बकर, उमर, हजरत उस्मान, चले उनके पास भी मालो असबाब था, मालो जर था, लेकिन वो उनके लिए कामयाबी का जरिया नहीं था, वो कामयाबी के स्टैंडर्ड्स उनके लिए कुछ और थे, हमारे लिए कुछ और बने हुए। असल कामयाबी, असल हकीकत में जो सक्सेस है वो आपको दीन में मिलती है। क्या दीन में हमें क्या सक्सेस देखने को मिलती है? ह्यूमैनिटी, इंसानों की खिदमत करना, कि कोई मुश्किल में उसकी मुश्किल आसान करना, मालो असबाब से आप उसकी मदद कर सको, वेल एंड गुड, आप उसके साथ खड़े हो सको, बेहतरीन। सबसे बेहतरीन चीज जो कि आप किसी को दे सकते हो वो आपका क्वालिटी ऑफ टाइम है। लेकिन हमने पैसे से सब कुछ खरीदने जा, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने ये चीजें देखी हैं कि कोई शख्स अपनी पूरी जिंदगी बैरून मुल्क गुजारे और आखिरी के आयाम में वापस मुल्क में आए, यार अपने चेहरे देखने को नहीं मिलते यार, जिन चेहरों से आप मोहब्बत करते हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा, ये बड़ी रिसेंट मेरी ऑब्जर्वेशन है, एक बड़े वेल सेटल्ड शख्स थे, बहुत अमीर कबीर, बहुत मतलब अल्लाह ने माशाल्लाह उन्हें बड़ा नवाजा था, उन्होंने अपनी दीनी खिदमत में माशाल्लाह अच्छे से सर अंजाम दी, लेकिन पैसे की लालच और पैसे ने मतलब तबाह कर दिया, मतलब कामयाबी के स्टैंडर्ड जो बदल गए, हुआ क्या उसका? उन्होंने ये किया कि कामयाबी के चक्कर में कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएं, बच्चों को बहुत आला तालीम दी, मना नहीं कर रहा, आला तालीम हासिल करनी चाहिए सबके लिए, लेकिन आला तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने उन्हें बैरून मुल्क सेटल किया, हो गया सेटल हो गया, बच्चे बच्चियों की शादी किसी की दुबई में की, किसी के मतलब पाकिस्तान में किसी को नहीं रखा, मतलब पाकिस्तान का स्कोप नहीं आगे, ये पाकिस्तान का आगे फ्यूचर नहीं है, फलाना इस तरह की बात है, और सारे बच्चों को बाहर सेटल कर दिया। आखिरी वक्त आया उनका कुछ अर्से पहले, हुआ ये कि इंतकाल के वक्त उनके पास ना उनका कोई बेटा ना कोई बेटी, आखिरी के दिनों में तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था कि उनके पेट के साइड पर कुछ पाइप्स वगैरह इस टाइप के कुछ इंस्टॉल करने पड़े थे, तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई। तो इस वक्त में बंदे का सहारा कौन होता है? उसकी औलाद, उसके अपने जो कि उसके साथ, लेकिन उस वक्त कोई उनके साथ साथ कौन थे? उनके नौकर, नौकर चाकर। अब क्या नौकर चाकर रखना क्या ये अब कामयाबी हो गई? असल कामयाबी तो ये थी कि आपकी औलाद आपके साथ खड़ी हो, उनकी तरबियत आपने ऐसी की होती कि वो पैसे से ज्यादा आपको प्रायोरिटी देते। अफसोस, ये मैंने आपसे इसलिए शेयर किया क्योंकि माशरे के ये स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, पैसे को हमने इतनी ज्यादा फोकियत दी है कि अब पैसों के सामने हमें रिलेशंस कुछ नजर नहीं आते। कामयाबी किसी की जिंदगी में वैल्यूज ऐड कर, आपके पास पैसे आप किसी की मदद, पैसा कमाएं जरूर कमाएं, इज्जत वाली जिंदगी गुजारने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, पैसा कामयाबी नहीं है। पैसा आपके रास्ते को थोड़ा आसान जरूर बना सकता है लेकिन पैसा आपकी मंजिल नहीं। ये ऐसे ही है कि आपने कराची से जाना लाहौर और आप मुल्तान स्टेशन पर ही खड़े होकर बोले ओह मैं पहुंच गया, जबरदस्त सक्सेस, मुझे कामयाबी मिल गई।
अगर आपने लाहौर जाना होगा तो मुल्तान स्टेशन पे अगर गाड़ी एक घंटा रुकेगी तो आपको अफसोस होगा, आप कहोगे यार जल्दी बढ़ो मैंने मंजिल तक पहुंचना है। आपने सुना होगा पैसा तो हाथ का मैल है, हम लोगों ने इसको मजाक के तर्ज में लिया, लेकिन हकीकत में पैसा हाथ के मैल की तरह है। कि मतलब कितनी कम औकात है इस पैसे, हमने समझा कि ना जाने हाथ की मैल की तरह ही उमलेंगे तो भाई पैसे गिरने लग जाएगा। पैसे की औकात ही है जैसे हाथ की मैल होती है, इतना इतनी कम वैल्यूज हैं पैसे। अब अलग अलग लोगों के जहन में अलग अलग ख्यालात भी आते हैं, तो ये भी आ सकता है कि भाई पैसा तो जरूरी है, हमने इलाज करवाना है, पैसा नहीं होगा हम इलाज कहाँ से करवाएंगे। मैंने यही बोला कि पैसा ना कमाए, पैसा कमाए जरूरी है, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है, हलाल रखें कुछ भी करें हलाल कमाए, आप ये देखेंगे उसकी बरकत अलग होगी। सुकून से आप रात को बिस्तर पर सुकून से सोएंगे, आपके दिल पे एक बोझ नहीं होगा कि यार मैंने आज ठगी मार के कुछ कमाया। आप देखेंगे लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हुई होंगी, रात को सुकून से नहीं सो सकते, चैन से नहीं सो सकते, ठगी की हुई, बुराई की हुई, दिल पे एक बोझ रखा हुआ है, गाना बजाना हंसना गाना इसे जिंदगी का मकसद समझ। पैसा कमाते हैं कि हम अयाशी कर सकें, बहुत से लोगों को मेरी रियल लाइफ में मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि जो पैसा सिर्फ इसलिए कमाना चाहते हैं कि वो अयाशी कर सके। खैर भारत इस वीडियो का मकसद महज सिर्फ और सिर्फ ये समझाना था कि पैसा आपके रास्ते को आसान बना सके, पैसा कमाना गलत चीज़ नहीं है, कमाएं पैसा हलाल कमाएं, इसके हलाल में बरकत है, लेकिन पैसा कमाने के लिए पैसे को कामयाबी समझकर गलत रास्ता अपनाना, कामयाबी के स्टैंडर्ड्स को मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ इन्वॉल्व करना और इन सब चीज़ों को करना बस बंद करना।